चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का बड़ा दावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी ने 9.5 सालों में काम किया है, तो वहीं 2014 से पहले की सरकारें गरीबी हटाओ की सिर्फ बात किया करती थी। इसके अलावा नायब सैनी ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की योजनाओं से हर वर्ग को फायदा हुआ है। नरेश कौशिक के आवास पर पहुंचे थे सैनी। बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी पाने वाले युवा को भी सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, जिन्होंने अपने 9.5 वर्षों के कार्यकाल में जो दूर से दूर बैठे हुए गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा और उसके साथ दलित के साथ पिछड़े के साथ दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति, ऐसे सब लोगों के, चाहे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों में जो कहा था उसको धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। और उसका परिणाम है कि पूर्व की सरकारें, 2014 से पहले की सरकारें गरीबी हटाओ की बात करती थी, गरीबी नहीं हटी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाएं बनाकर के, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान कार्ड है, जनधन खाते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल है, ऐसी अनेकों योजनाएं, उन माताओं बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की, जिन्होंने आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं देखा था, ये सारी की सारी बातें हैं। देश का विकास किया है, देश के विकास के साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की समस्याओं का समाधान किया है, दुनिया भर के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया है और दुनिया के अंदर भारत को 5वें स्थान के ऊपर मजबूत आर्थिक इकोनॉमी में ला करके खड़ा किया है। ऐसे सब बातों को देश की जनता गहनता से देख रही है और देख करके निर्णय लेती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। और श्रद्धा से लोगों ने कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खिलाया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करूंगा।